बीएससी पार्ट सेकंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अपना यूनिट चल रही थी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जिसमें अपन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की जनरल जो प्रॉपर्टीज है वो पढ़ चुके हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का नॉमनक्लेचर भी बहुत अच्छे से कर चुके हैं अपन। आज हम करेंगे आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। अब देखो आइसोमेरिज्म वर्ड सुनते हैं अपने दिमाग में आते हैं, आइसोमेरिज्म यानी जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टी, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कार्बन की चेन स्ट्रक्चर होती है तो वो आइसोमेरिज्म शो करते हैं, लेकिन इनऑर्गेनिक जो कंपाउंड्स हैं उनमें जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है वो भी आइसोमेरिज्म शो करते हैं। अब देखो आइसोमेरिज्म क्या होती है, जिन कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सिमिलर हो बट उनकी जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट है, इन कंपाउंड्स को अपन आपस में क्या कहेंगे, आइसो। ठीक है, तो आइसोमर्स क्या होंगे, जिन कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सिमिलर हो बट उनकी स्ट्रक्चर डिफरेंट हो, इन कंपाउंड्स को अपन कहेंगे आइसोमर, और ये जो फिनोमिना है इसको अपन क्या कहेंगे यहाँ पे, आइसोमेरिज। तो द कंपाउंड्स विच हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम मॉलिक्यूलर वेट बट हैविंग डिफरेंट स्ट्रक्चर आर नोन एज आइसोमर एंड दिस फिनोमिना इज नोन एज आइसोमेरिज्म। अब अपन देखते हैं कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में कौन कौन से टाइप की आइसोमेरिज्म है वो होती है टाइप्स। अब इनमें बेसिकली टू टाइप की आइसोमेरिज्म होती है, फर्स्ट इज स्टीरियो आइसोमेरिज्म, स्टीरियो आइसोमेरिज्म, और दूसरी है स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म है उसको आगे टू कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं अपन, फर्स्ट इज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म और सेकंड है इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। अब आती है अपने स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, इसके मेनली सिक्स पार्ट्स हैं, फर्स्ट इज आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, सेकंड है इसमें हाइड्रेट आइसोमेरिज्म, थर्ड लिंकेज आइसोमेरिज्म, फोर्थ है इसमें लिगेंड आइसोमेरिज्म, फिफ्थ है कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, और लास्ट है इसमें कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो यहां पर ने देखा कि जो आइसोमेरिज्म है वो कितने टाइप की होती है, बेसिकली जो आइसोमेरिज्म है वो टू टाइप्स की है, स्टीरियो आइसोमेरिज्म और स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म के टू टाइप्स हैं, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, इनको अपन नेक्स्ट क्लास में लेंगे, आज की क्लास में अपन पढ़ेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। अब स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है उसके सिक्स टाइप्स है, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, हाइड्रेट आइसोमेरिज्म, लिंकेज आइसोमेरिज्म, लिगेंड आइसोमेरिज्म, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, और लास्ट इसमें कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म। अब एक एक करके अपन इन सबको पढ़ेंगे, फर्स्ट पढ़ते हैं अपन आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म देखो पहले इसका एक एग्जांपल लिखते हैं फिर अपन देखते हैं कि किस तरीके से होती है। ये दोनों कंपाउंड से इनका देखो फॉर्मूला एक जैसा है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, कोबाल्ट मेटल है इसमें भी कोबाल्ट मेटल है, 5NH3 यहां भी 5NH3 है, Br यहां भी एक Br है, यहां एक SO4 यहां भी एक SO4 है, लेकिन यहां पे देखो ये में चेंज क्या है, Br और SO4 है इन दोनों की पोजीशन में चेंज है। अब ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की प्रॉपर्टी ही अपन पढ़ते हैं, ये आता है इसका आयनिक स्फीयर और ये इसका कोऑर्डिनेशन स्फीयर। आयनिक स्फीयर यानी जब भी सॉल्वेंट में डिजोल्व करेंगे ये आयंस में डिजोल्व हो जाएगा, तो इसको अगर अपन डिजोल्व करेंगे ये सल्फेट आयन देगा और ये कौन सा आयन देगा यहाँ पे Br-, जो अंदर वाला लिगेंड वाला पार्ट है वो आयनाइजेबल पार्ट है वो नहीं होता, तो अगर इसको आयनाइजेबल करेंगे तो ये क्या आयन देगा, सल्फेट आयन।
और ये कौन से आयन देगा यहाँ पे बी आर माइनस आयन। तो इनमें क्या रिलेशन है आपस में कि इन दोनों को अगर सॉल्वेंट में डिजोल्व करेंगे तो डिफरेंट काइंड ऑफ आइन्स देंगे। यहाँ पे सल्फेट आयन दे रहे हैं और यहाँ पे बी आर माइनस आयन। तो जिनमें आयनिक स्फीयर में आयन्स है वो डिफरेंट होंगे, उस आइसोमेरिज्म को अपन क्या कहेंगे, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। अब इनकी देखो इजीली कुछ परीक्षण करके अपन इजीली इनकी पहचान भी कर सकते हैं। जैसे सल्फेट वाला आयन है, इसकी रिएक्शन अपन कराते हैं बेरियम क्लोराइड के साथ। अब हमें पता है कि बेरियम है वो सल्फेट के साथ में रिएक्शन करके जो बेरियम सल्फेट है उसका व्हाइट प्रेसिपिटेट बनाता है, ठीक है। तो अपन पहचान कर सकते हैं अगर बेरियम क्लोराइड के साथ में व्हाइट प्रेसिपिटेट आ रहा है, मींस आयनिक स्फीयर में कौन सा आयन प्रेजेंट है, यहाँ पे सल्फेट आयन से वो प्रेजेंट है। और इसमें ये बेरियम क्लोराइड के साथ में कोई प्रेसिपिटेट है वो शो नहीं करेगा, लेकिन इसकी रिएक्शन अपन करवाते हैं सिल्वर नाइट्रेट के साथ में। तो ये सिल्वर है वो ब्रोमाइड के साथ में रिएक्ट करके AgBr का व्हाइट प्रेसिपिटेट बनाता है, ठीक है। तो आयनिक स्फीयर में अगर आयन डिफरेंट है तो इजीली कुछ टेस्ट करके अपन उन्हें आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये अपनी हो गई फर्स्ट आइसोमेरिज्म, आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म, यानी जिन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में डिफरेंट आयन्स का फॉर्मेशन होता है, जिनमें आयनिक स्फीयर में आयन्स डिफरेंट होते हैं वो क्या कहलाएंगे, आयनाइजेशन आइसोमर्स। अब अपन सेकेंड करते हैं इसमें हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। हाइड्रेट वर्ड है वो किसके लिए काम में लिया जाता है, वाटर मॉलिक्यूल के लिए। ये भी एक तरीके की आयनाइजेशन आइसोमरी है, लेकिन इसमें आयन्स डिफरेंट नहीं होते, इसमें आयनिक स्फीयर में और कोऑर्डिनेशन स्फीयर में वाटर मॉलिक्यूल्स का नंबर है वो डिफरेंट। देखो इसमें एक एग्जांपल देखते हैं अपन, CO H2O6 Cl, CO H2 5 Cl Cl2 H2। फॉर्मूला दोनों का एक जैसा है, लेकिन यहाँ पे आयनिक स्फीयर में 3 क्लोराइड है और जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है उसमें 6 वाटर मॉलिक्यूल है। इसमें कोऑर्डिनेशन स्फीयर में 5 वाटर मॉलिक्यूल है और एक वाटर मॉलिक्यूल कहाँ है, यहाँ पे आयनिक स्फीयर में। तो आयनिक स्फीयर और कोऑर्डिनेशन स्फीयर में अगर वाटर मॉलिक्यूल्स में चेंज आता है तो वो जो आइसोमेरिज्म होगी उसको अपन क्या कहेंगे, हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। ये नाम से ही लग रहा है, हाइड्रेट वाटर के लिए यूज में लिया जाता है। अब देखो थर्ड आइसोमेरिज्म है अपनी लिंकेज आइसोमेरिज्म। लिंकेज आइसोमेरिज्म पढ़ने से पहले अपन पढ़ा होगा आपने लिगेंड्स के टाइप में एम्बीडेंटेड लिगेंड। यहां पे एम्बीडेंटेड लिगेंड के बारे में पता होना जरूरी है क्योंकि वही ये लिंकेज आइसोमेरिज्म है वो शो करते हैं। एम्बीडेंटेड लिगेंड यानी जिन लिगेंड्स में दो डोनर साइट होती है लेकिन सेम टाइम में किसी एक ही साइट से वो बाइंड हो सकता है। जिस तरीके से नाइट्रीटो है ONO, ये ऑक्सीजन के द्वारा भी मेटल के साथ में बाइंड हो सकता है, और M है ये नाइट्रोजन से भी बाइंड हो सकता है, ठीक है। तो जिनमें जिन आइसोमर्स में एम्बीडेंटेड लिगेंड प्रेजेंट हो और जिनकी जो बाइंडिंग साइट है वो अलग अलग होगी, उन आइसोमर्स को अपन क्या कहेंगे, यहाँ पे लिंकेज आइसोमेरिज्म। अब इनके नॉमेनक्लेचर में भी सिंपल करते हैं, इसको नाइट्रीटो वर्ड कॉमन दोनों के लिए यूज में ले सकते हैं, लेकिन नाइट्रीटो के आगे क्या लिखना पड़ेगा अपन को, ओ, यानी इसकी बाइंडिंग साइट है वो ओ है। यहाँ पे नाइट्रीटो के आगे क्या लिखेंगे अपन, एन, क्योंकि इसकी बाइंडिंग साइट क्या होगी, यहाँ पे एन। अब इसका देखो एक एग्जाम्पल देख लो, CR NH3 5 ONO Cl2, CR NH3 5 NO2 और Cl2, ठीक है। तो यहां पे देखो सब कुछ सिमिलर है, यहाँ पे जो एम्बीडेंटेड लिगेंड है उसकी बाइंडिंग साइट है वो अलग है। ये बाइंड किसके द्वारा हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीजन से मेटल से साथ में बाइंड हो रहा है, और ये किसके द्वारा बाइंड हो रहा है, यहाँ पे नाइट्रोजन से बाइंड हो रहा है। तो ये जो आइसोमेरिज्म है इसको अपन क्या कहेंगे, लिंकेज आइसोमेरिज्म। अब नेक्स्ट देखो इसमें लिगेंड आइसोमेरिज्म।
लिगेंड आइसोमेरिज्म यानी जब किसी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में लिगेंड खुद आइसोमेरिज्म शो कर, लिगेंड कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड हो सकते हैं तो वही अगर आइसोमेरिज्म शो कर रहे हैं तो उससे जो आइसोमेरिज्म अराइज होगी उसको अपन क्या कहेंगे, लिगेंड आइसोमेरिज्म। जिस तरीके से देखो डाइअमीनोप्रोपेन है, ठीक है, डाइअमीनोप्रोपेन है, ये हो गया इसमें 1,3 डाइअमीनोप्रोपेन। अब इसका दूसरा आइसोमर है उसमें 1,2 डाइअमीनोप्रोपेन। इसको शॉर्ट में TN से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको करते हैं PN से। तो जहां भी ये लिगेंड प्रेजेंट होगा तो दोनों कॉम्प्लेक्सेस में चेंज क्या होगा कि जो लिगेंड है वो खुद आइसोमेरिज्म यहां पे शो कर रहा है। जैसे एक कॉम्प्लेक्स ले लिया अपन कोबाल्ट का CO TN2 Cl2 Cl, यहां पे CO TN2 Cl2 Cl, ठीक है, दोनों की स्ट्रक्चर डिफरेंट है लेकिन यहाँ पे जो लिगेंड है डाई अमीनोप्रोपेन है, यहाँ पे 1,3 डाई अमीनोप्रोपेन है और यहाँ पे होगा 1,2 डाई अमीनोप्रोपेन। जो लिगेंड खुद है वो आइसोमेरिज्म शो कर रहा है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है और ये पोजीशन आइसोमेरिज्म, यहाँ पे जो फंक्शनल ग्रुप है उसकी पोजिशन चेंज है, यहाँ पे दोनों 1,3 पोजिशन पे है और यहाँ पे 1,2 पोजिशन पे है। तो जिन आइसोमर्स में लिगेंड खुद आइसोमेरिज्म शो करे उस आइसोमेरिज्म को अपन क्या कहेंगे, यहाँ पे लिगेंड आइसोमेरिज्म। अब नेक्स्ट देखो अपने हैं कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म उन कॉम्प्लेक्सेस में होती है जिसमें केटाइन और एनाइन दोनों ही कोऑर्डिनेशन स्फीयर हो। देखो नोमेनक्लेचर में भी किया था अपन ने CO NH3 6 Cr Cl, ठीक है। अब यहां पे देखो ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, NH3 एक न्यूट्रल लिगेंड है तो ये केटाइनिक होगा और ये जो है वो कैसा होगा यहाँ पे एनाइनिक, ठीक है। तो जब कोऑर्डिनेशन स्फीयर ही केटाइनिक स्पीसीज हो और कोऑर्डिनेशन स्फीयर ही एनाइनिक स्पीसीज हो तो उनमें कौन सी आइसोमेरिज्म होगी, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। किस तरीके से होगी, दोनों मेटल्स के साथ में क्या हो जाएगा, लिगेंड्स का अगर एक्सचेंज यहाँ पे हो जाए तो कोबाल्ट के साथ आ जाएगा Cl और क्रोमियम के साथ में क्या आ जाएगा यहाँ पे NH3, तो Cr NH3 6 CO Cl। यहां पे देखो पहले Cr को क्यों लिखा, क्योंकि पहले नोमेनक्लेचर में पहले केटाइनिक स्पीसीज को लिखा जाता है और उसके बाद में किसको लिखा जाएगा, एनायनिक स्पीसीज को। अब देखो इनकी नेमिंग किस तरीके से करेंगे, यहां पे हेक्सा अमीन थर्ड, ये केटाइनिक स्पीसीज है तो कोबाल्ट HDH कोबाल्ट नेम आएगा यहां पे। अब एनायनिक स्पीसीज का लिखेंगे हेक्सा क्लोरो। अब यहां पे देखो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है वो नेगेटिवली चार्ज है तो मेटल के नेम के पीछे क्या ऐड कर देंगे अपन, ATE क्रोमेट थर्ड। इसी तरीके से यहां पे देखो हेक्सा अमीन क्रोमियम थर्ड, ठीक है, केटायनिक है तो इसका क्रोमियम आएगा। फिर नेक्स्ट इसका करेंगे अपन हेक्सा क्लोरो। अब यहां पे ये नेगेटिवली चार्ज है तो इसका क्या आ जाएगा यहां पे कोबाल्टेट थर्ड, ठीक है। तो जहां पे केटाइन और एनाइन दोनों कोऑर्डिनेशन स्फीयर हो और दोनों में अगर लिगेंड्स का एक्सचेंज होने पे जो आइसोमेरिज्म अराइज होगी उसको अपन क्या कहेंगे, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। अब अपन लास्ट करते हैं कोऑर्डिनेशन पोजिशन आइसोमेरिज्म। कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म,
अब देखो कोऑर्डिनेशन पोजीशन, एक से ज्यादा मेटल्स प्रेजेंट हो, मल्टी सेंटर्ड कॉम्प्लेक्स हो, कोबाल्ट कोबाल्ट, इनमें दो ब्रिज हेड लिगेंड है हाइड्रोक्सो। अब इसके साथ में NH3-4 और यहाँ पे Cl-4। तो जहां पे मल्टी सेंटर्ड कॉम्प्लेक्स हो और मेटल्स में दोनों में अलग अलग टाइप के लिगेंड होंगे, तो उन लिगेंड्स का अगर कुछ लिगेंड्स का एक्सचेंज हो जाए, उसके बाद में जो आइसोमर बनेगा उसको अपन क्या कहेंगे, कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिजन। तो यहां से 2NH3 अगर इधर चले गए और 2Cl है वो इस साइड में आ गए, तो अपनी स्ट्रक्चर क्या हो जाएगी, यहाँ पे Cl2 NH32 CO OH OH CO NH32 Cl2। ठीक है, तो जो मल्टी सेंटर्ड कॉम्प्लेक्सेज है, मल्टी सेंटर यानी एक से ज्यादा मेटल्स प्रेजेंट है और मेटल के साथ में अलग अलग टाइप के लिगेंड्स अटैच हैं, तो इनमें से कुछ लिगेंड्स का अगर एक्सचेंज हो जाए उसके बाद में जो आइसोमर्स बनेंगे उनको अपन क्या कहेंगे, कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमर्स। ओके, थैंक यू।